पर भाई की वजह से अजगर साहब ने बाइट कर लिया। अगर वहां पर असल स्वाइपर बाइट किया होता तो कुछ और ही बात होती। बहरहाल आप देख सकते हैं सभी इंडियन रॉक पाइथन्स काफी तेजी से अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और ये यहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेंगे और अपनी बाकी की जिंदगी जी पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इंडियन रॉक पाइथन एक ही दिशा में जा रहे हैं, बाकी के 2 इंडियन रॉक पाइथन अलग दिशा में चले गए। इन सांपों के जाने के बाद अभी हम लोग रिलीज करने वाले हैं रसल स्वाइपर स्नेक को और इसे हम लोग अजगरों से थोड़ी सी दूरी पर रिलीज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रसल स्वाइपर को भी रिलीज कर दिया है जो कि थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी दिखाई दे रहा है। जब भी रसल स्वाइपर या फिर अजगर सांप डरे हुए होते हैं तो वो अपने गर्दन को इस तरह से बेंड करके एस बना लेते हैं और जैसे इन्हें खतरा महसूस होता है ये तुरंत से सामने वाले के ऊपर बाइट कर देते हैं, हमला कर देते हैं। ऐसे में हम लोग उचित दूरी बना करके इसे थोड़ा सा छेड़ेंगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे ताकि ये यहाँ से भाग जाए। और आप देख सकते हैं फिलहाल जो रसल स्वाइपर है वो काफ़ी तेज़ी से अपने अनुकूलित वातावरण पर जा रहा है, यहाँ पर ये अच्छे ढंग से रह लेगा और अपनी बाकी ज़िंदगी जी पाएगा। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा